हेलो एंड नमस्कार। कल जो हमने 11th क्लास की फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने किया था एंगुलर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया था, इक्वेशन ऑफ पाथ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये सब हमने किए थे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन के ही अंदर है, जो क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। हमने कल हॉरिजॉन्टल रेंज तो किया था, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी। हम मान लो किसी भी गिवन वेलोसिटी से उसको थ्रो करते हैं, तो हम गिवन वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो अलग अलग एंगल पे थ्रो कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि गिवन वेलोसिटी से थ्रो करें तो कितने एंगल पे थ्रो करें कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब हॉरिजॉन्टली वो मैक्सिमम दूरी तय करे, डिस्टेंस कवर करे। तो देखिए कल हमने जैसे इस तरह से इसको थ्रो किया था हॉरिजॉन्टल के साथ, यू वेलोसिटी बना के, तो ये यहाँ आर डिस्टेंस जो थी ये हॉरिजॉन्टल रेंज थी। तो हमें पता है कि आर जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी वो क्या थी, यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी। तो अब आर की वैल्यू मैक्सिमम, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इफ यू इज कॉन्स्टेंट, मतलब यू गिवन है हा? और जी की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है ही, ये तो जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और यू भी गिवन है, तो आर मैक्सिमम कब होगा, आर विल बी मैक्सिमम कब, इफ ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, साइन टू थीटा मैक्सिमम। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन टू थीटा इज मैक्सिमम, ओके। और आप देखेंगे कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, यानी कि साइन टू थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन, ये मैक्सिमम होती है। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन, साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन, यानी कि साइन वन कब होता है, जब एंगल कितना हो, 90, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, मैक्सिमम प्लस वन। तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन टू थीटा, सो टू थीटा इज 90 एंड थीटा इज 45 डिग्री। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी यू स्केयर बाई जी, क्योंकि ये वैल्यू तो वन होगी ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू वन है साइन टू थीटा, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यू स्केयर बाई जी, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। इसी तरह से आप मैक्सिमम हाइट वो हम निकाल ही चुके हैं, वो भी थीटा के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। और अभी हम एक और टॉपिक इसमें छोटा सा करेंगे, ये समझ में आ गया, ओके। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। जैसा कि हमें पता है कि इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, ओके, एज इफ थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज, यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी। यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ले
और वेलोसिटी u लें तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये होगी, ठीक। अब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा ले लें। अब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी वही है u, वेलोसिटी सेम वही है, बस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब हमने क्या ले लिया, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। इफ 90 माइनस थीटा, अब क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वही है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा, पहले थीटा था अब थीटा इज अगेन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो आर टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, और आपको ये पता ही होगा कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, मतलब यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप देखेंगे इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब आर वन इज इक्वल टू आर टू, यानी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी, मतलब देर विल बी सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है। सेम वेलोसिटी हो तो सेम रेंज होगी, कब, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो और 90 माइनस थीटा, जैसे मतलब थीटा मान लो कितना है 30, तो 30 डिग्री पे जो रेंज होगी वही किस पे होगी 90 माइनस 30 पे, यानी कि 60 पे, जो हॉरिजॉन्टल रेंज 40 पे है वही किस पे होगी 50 डिग्री पे, जो हॉरिजॉन्टल रेंज 70 पे है वही किस पे होगी 20 पे, तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी दो एंगल पे थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ओके। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, जब हम किसी भी चीज को 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, तो 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी। कोई भी जेवलिन थ्रो करता है तो जेवलिन थ्रो करेगा तो जेवलिन थ्रो में क्या देखना है हमें, ये तो देखना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हम उसको जितनी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं उसे हम किससे करेंगे 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री से करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। हम कोई जैसे शॉर्ट पुट करते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं तो उन सब में हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लेना है 45 डिग्री लेना है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम दूरी पे जाएगा। और एक हमने ये पढ़ा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हालांकि मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, है ना, जैसे मान लो ये है एक 30 से हमने प्रोजेक्ट किया और एक 60 से किया, ये 30 से और ये 60 से, तो आप देखेंगे 60 वाले में हाइट ज़्यादा होगी 30 वाले में कम होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों में सेम होगी। तो ये चीज़ें आज हमने की है, एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा आपको मैं, वो और कर ले आज, उसके बाद फिर मैं कल जो नई वीडियो कराऊंगा उसमें आपको मैं कराऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, यानी कि कल जो वीडियो बनेगी वो ऑलमोस्ट इसकी लास्ट वीडियो होगी और ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट, काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो लिया था वो हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ लिया था, हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ। व्हाट इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन विद वर्टिकल, यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल के साथ दे रखा हो तो क्या करेंगे आप, जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये दे रखा है वर्टिकल वाई एक्सिस के साथ, ठीक, तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो यदि वर्टिकल के साथ थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा। अब आपने वही सब चीजें करनी है, इक्वेशन ऑफ पाथ, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, तो क्या करना है आपने जहां थीटा यूज कर रहे हो वहां पे 90 माइनस थीटा करना है। जैसे
टाइम ऑफ लाइट क्या आया था हमारा 2u साइन थीटा बाई जी, तो हमने थीटा की जगह क्या लेना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि तब तो थीटा ये था हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन अब थीटा वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो 90 माइनस थीटा रह गया ना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो टाइम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा 2u सॉरी कॉस थीटा बाई जी। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट क्या थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो आपने थीटा हटा के हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बनानी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां भी आपने थीटा यूज कर रखा है ना वहां पे उसकी जगह 90 माइनस थीटा यूज करें तो आपको सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन विद वर्टिकल। तो वीडियो को अच्छे तरह से समझें, नोट करें, खुद करके देखें, बुक से पढ़ें, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, और एट द लास्ट इन द लास्ट चैनल को सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।